यार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारी वीडियो देख रहे होंगे। मैं आपका अपना आशीष लोधी आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत बड़ी खुशखबरी। तो जी हां दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो इस आदेश में पांचवें वित्त राज्य आयोग की राशि जो है वो डल चुकी है। तो आइए संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक मैं स्टेटमेंट का आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि कितनी राशि मेरी ग्राम पंचायत में डली हुई है, आप अपने में चेक करवा लीजिए बैंक के थ्रू। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं इसको। पंचायत राज संचालनालय मध्य प्रदेश से आदेश निकाला जा चुका है। दिनांक जिसमें डली हुई है 6/4/2023, मतलब कल ही के दिन निकाला जा चुका है और प्रति मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दे दी गई है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त को दे दी गई है। एवं विषय की अगर हम बात करें, त्रिस्तरीय पंचायतों को पांचवें वित्त राज्य वित्त आयोग वित्तीय वर्ष 2022-23 अंतर्गत जारी किस्त की राशि रुपए के उपयोग के संबंध में, तो आपको जैसा कि पता होगा पांचवें वित्त राज्य आयोग की राशि डल चुकी थी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट डल पहले से डल चुकी थी, जो कि 22-23 की फर्स्ट और सेकंड डल चुकी थी ऑलरेडी। तो अभी ये थर्ड इंस्टॉलमेंट आई हुई है 22-23 की। तो चलिए इसको और आगे रीड कर लेते हैं। पांचवें वित्त राज्य आयोग अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 की तृतीय एवं अंतिम किस्त, तीसरी किस्त है और यही अंतिम किस्त है 22-23 की, राशि जिला जनपद एवं ग्राम पंचायतों को उनके एकल बैंक खाते में अंतरित की गई है। सूची ईमेल से प्रेषित है, ईमेल से सूची प्रेषित कर दी गई है। कृपया इस कार्यालय द्वारा पांचवें राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रावधानिक राशि के उपयोग के संबंध में जारी दिशा निर्देश क्रमांक 10062 दिनांक 5/7/2022 अनुसार राशि का उपयोग पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से संपादित किया जाना सुनिश्चित करें संलग्न। तो दोस्तों एक बार और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये पांचवें वित्त की राशि जो अभी आई है 31 मार्च में आई हुई है, इसका मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं अपनी बैंक स्टेटमेंट का। आप देख सकते हो 31 मार्च 2023 में ये राशि डाली गई थी हमारी ग्राम पंचायत में और आप देख सकते हो ये इतनी राशि आई हुई है। आपकी पंचायत में वेरी कर सकती है क्योंकि ये जनसंख्या पर डिपेंड करती है, इसलिए राशि एग्जैक्ट हर पंचायत में नहीं आती है, अलग अलग राशि हो सकती है। मान के चलिए मेरे में 3 लाख आई है, आपके में 2 लाख भी हो सकती है और ये राशि जनसंख्या पर डिपेंड करती है। तो आइए हम आपको बता देते हैं एक बार और कि किस प्रकार से इस आदेश को डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको हमारी YouTube चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, उसमें एक ग्रुप का लिंक होगा जो कि है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, तो उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको इसकी PDF ईजिली मिल जाएगी और आप इस आदेश को डाउनलोड कर सकते हैं। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा और बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट प्राप्त होते रहें। और अगर आप हमसे पर्सनली चैट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जा करके फॉलो कर लीजिए और आप हमें मैसेज कर सकते हो। तो अभी जाइए और इंस्टाग्राम को फॉलो करिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप जा करके उसे फॉलो कर सकते हैं। तो आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।